तीन तरह का व्यापार होता है। एक तामसिक व्यापार होता है जिसमें लोग बीड़ी सिगरेट शराब आदि बेचते हैं, जुए का काम करते हैं, ये तामसिक व्यापार है। तामसिक व्यापार से जो भी पैसा तुम्हारे घर में आएगा उससे तुम्हारी बर्बादी होती है, कोई कर ले चाहे। और जो भी लोग दुनिया में कर रहे हैं वो सब बर्बाद हो रहे हैं, और जो नहीं हुए वो होंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति के विरुद्ध चल रहे हैं। वो लोगों को जीवन नहीं दे रहे, वो लोगों को मौत दे रहे हैं। बीड़ी सिगरेट शराब मांसाहार दुराचार व्यभिचार कैसीनो से लेकर के और तमाम तरह के कुछ दूसरे कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। आदमी को शुरू में ऐसा लगता है कि इसमें तो बड़ी कमाई है, सबसे ज्यादा कमाई शराब में है। 10 रुपए का पानी बोतल में भर दो और 2,000 रुपए का बेच दो। दूसरा राजसिक व्यापार है। राजसिक व्यापार में कोका कोला है, पेप्सी है, बर्गर है, पिज्जा है, अनहेल्दी प्रोडक्ट। माने किसी जीव की हत्या तो नहीं हो रही है, लेकिन जो अनहेल्दी प्रोडक्ट है, अंकल चिप्स हैं, माने जितने भी फ्राइड चिप्स हैं, ये सब राजसिक व्यापार है। जितने भी मैदा वाले बिस्किट हैं, नूडल हैं, ये सब राजसिक व्यापार है। जिससे व्यक्ति अनहेल्दी होता है, जैसे ये काली वाली चाय है, ये राजसिक व्यापार है। उसके माने जिससे प्रत्यक्ष हिंसा तो नहीं हो रही है, लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति का नुकसान हो रहा है, ये राजसिक व्यापार है। सात्विक व्यापार क्या है? दूध बेचना, दवा बेचना, रोगियों को आरोग्य मिलता है ना उससे। दूध दवा का काम है, अनाज का काम है, खेती का काम है, कृषि गोपालन, और जो पतंजलि का जितना भी कार्य है वो सारा आपके लिए सात्विक व्यापार है, हमारे लिए ये सात्विक उपकार का काम है। आप तक व्यापार है। क्यों? क्योंकि आप उसमें से जो भी कमाई होती है उससे अपना घर परिवार का खर्चा चलाते हो। हम लोगों के पास में जो भी पतंजलि का प्रॉफिट आता है हम 100% सेवा में लगाते हैं, इसलिए आपका व्यापार हमारे लिए उपकार। आपकी कमाई और आपकी कमाई के द्वारा देश की हम करते हैं भलाई। तो इसमें आप व्यापार करने के साथ आप भी उपकार कर रहे हो, क्योंकि आप कर रहे हो उससे थोड़ा आपको यदि 10% प्रॉफिट हुआ तो 2% पतंजलि का भी तो हुआ ना उसमें। तो आपके प्रॉफिट के साथ पतंजलि का भी प्रॉफिट हुआ, तो आप व्यापार और प्लस उपकार दोनों काम एक साथ कर रहे हो, इसलिए आपके लिए सात्विक है। ये खाली फिलोसफी नहीं है, दिस इज नॉट ओनली आइडियोलॉजी एंड दिस इज नॉट वोकल प्रिंसिपल। ये शाब्दिक व्यवहार नहीं है खाली, ये शाब्दिक सिद्धांत और विचारधारा नहीं है, ये यथार्थ में सेल्फ सस्टेनेबल एंड चैरिटेबल। सेल्फ सस्टेनेबल एंड चैरिटी मॉडल पर हम इसको चला रहे हैं। जैसे आचार्य कुलम का हमारा जो काम है वो सेल्फ सस्टेनेबल एंड चैरिटेबल वाला है, नॉन प्रॉफिटेबल वाला है। वो सेल्फ सस्टेनेबल नॉन प्रॉफिटेबल चैरिटेबल है, ये सेल्फ सस्टेनेबल एंड चैरिटेबल है। ऐसा स्वदेशी का काम है। स्वदेशी की बात लोगों ने बड़ी बड़ी की, पर उस स्वदेशी की जो भी बात करता था वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट भी बनाता था। कुछ लोगों ने खुद के बनाए, कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट पे करवाते थे, अभी भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कुछ लोग, लेकिन अभी ये कार्य जब शुरू हुआ था तब छोटा था, तब केवल पतंजलि चिकित्सालय थे, आरोग्य केंद्र भी नहीं थे। जैसे आरोग्य केंद्र दिए तो पतंजलि चिकित्सालय वाले बोलते थे, स्वामी जी हमारा क्या होगा। फिर
आरोग्य केंद्रों की बात स्वदेशी केंद्र दिए तो पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र वाले दोनों कहते थे हमारा क्या होगा। फिर जब ओपन मार्केट में गए बोलो अब तो हम खत्म ही हो जाएंगे। बोलो उसमें आप लोगों में भी थे ना कुछ लोग ऐसी सोचने वाले। अच्छा अब ईमानदारी से बताओ अब तुम खत्म हो रहे हो कि बढ़ रहे हो? तो गुरु की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? तुम्हारे दिमाग में जो नहीं आती वो गुरु के दिमाग में आती है, क्योंकि गुरु के दिमाग में जो आती है वो भगवान के यहां से आती है। तुम लोग छोटा छोटा सोचते थे। उस समय पतंजलि चिकित्सालयों के माध्यम से दिव्य फार्मेसी का कुल साल भर का टर्नओवर 250 करोड़ का था। अब 10 गुना हो गया, तब तुम भी कई गुना हो गए। छोटा मत सोचो। टारगेट चिकित्सालय की सेल कैसे कम होगी ये नहीं है। टारगेट ये है कि यहां से यूनिलीवर कैसे भागेगी, ये टारगेट है। शुरू शुरू में लोगों को मेरी बातें भाषण लगती थी। अब वो कहते रहे ये बाबा जो बोलता है गंभीरता से सुनो, ये बाबा बावड़ा नहीं है। अभी तक हमको सीरियसली नहीं लेते थे। मैंने कहा मतलब हमारे लिए तो अच्छा है ना हमको सीरियसली ना ले। लेकिन वो सीरियसली ना ले तो बात समझ में आती है, तुम सीरियसली ले लेना। समझ में आई बात? ये सामूहिक पुरुषार्थ है। अभी सिंपल एलोवेरा जेल मिलता था, अब एलोवेरा केसर चंदन जेल भी आ रहा है। अभी तक ब्यूटी क्रीम एंटी रिंकल क्रीम मिलती थी तो ये हमारे सब जितने भी ये अभ्युदय वाले तमाम मार्केटिंग का वाले सब के दिमाग फेल हो गए। क्यों? सब किसी ने सोचा ही नहीं था कि ये किस तरह से कार्य बढ़ रहा है। हमको तो दिख रहा था, मैं बोलता था भाई इसकी ऐसे तैयारी कर लो, तो मेरे आस पड़ोस वाले भी कहते बाबा जी ऐसे थोड़ी होता है। फिर मैंने कहा मान जाओ, नहीं फिर तुम्हें 2-3 महीने बाद फिर तुमको ये सुनने को मिलेगा तुमने नहीं मानी ना, गलत हुआ ना। पहले हमने उसके बारे में बात ही नहीं की थी, ब्यूटी क्रीम एंटी रिंकल क्रीम के बारे में ज्यादा। अब पहले जो हजारों में बनता था वो लाखों में, अब जो लाखों में बन रहा है वो 2-3 साल में करोड़ों में होगा। अभी एंटी एजिंग क्रीम भी आ रही है सौंदर्य की, एंटी रिंकल क्रीम। फिर स्वर्ण कांति, स्वर्ण कांति फेयरनेस क्रीम, लगाते ही सोने की तरह चमकने लग जाता है आदमी, लगाते ही। सच्ची बता रहा हूं, वो क्रीम ऐसे बिकेगी तुम्हारे यहां से लोग ढूंढ ढूंढ के लेके जाएंगे, और क्रीम नहीं मिली तो तुम्हें उठा के ले जाएंगे। बोले तुम्हें बाबा जी ने तो इतनी बढ़िया क्रीम बनाई, तुम रखते क्यों नहीं हो? तो अब ये तो मैंने थोड़ी सी बात बताई। पहले अपना 50 टन बिका करता था मुश्किल से। पहले एक शिफ्ट चलाते थे, फिर दो, फिर तीन की वॉशिंग पाउडर की। जो वॉशिंग पाउडर अपना 50 टन थोड़ा बिका करता था, लोगों को पता नहीं था उस समय तक। अभी तक तो कोई ज्यादा विज्ञापन भी नहीं आता, एक दो टीवी चैनल पे थोड़ा चलता है पतंजलि वॉशिंग पाउडर डिशवाश का, अभी थोड़ा बहुत शुरू किया है, लोगों को पता लगे कि हम बनाते। जो 50 टन बिका करता था पतंजलि वॉशिंग पाउडर, अब वो 500 टन अगले महीने से मिलना शुरू हो जाएगा। जो आटा 500 टन हम लोग उपलब्ध करवाया करते थे, उस आटे की डिमांड अब 500 टन से ज्यादा हो गई है, और उस डिमांड के लिए हमने कैपेसिटी भी बना दी है, वॉशिंग पाउडर के लिए कैपेसिटी तैयार कर दी है। जो साबुन अपने रोज 50 टन बिका करते थे, वो साबुन भी ये सोप वाले बाथ सोप हर्बल बाथ सोप जो 50 टन बिका करते थे, वो अब 500 टन की कैपेसिटी कर दी है उसकी। ये तो कुछ प्रोडक्ट्स में बताया। अब घी की भी कोई शॉर्टेज नहीं होगी। अब तेल की भी कोई शॉर्टेज नहीं होगी। तेल में हम लोग हेक्सेन प्रोसेस से बना हुआ ऑयल नहीं लेकर के आ रहे, वो कैंसरस होता है। जैसे पहले केशकांति तेल कितना बिका करता था,
दो चार सीसी, पांच सीसी, लोगों को पता नहीं था। जब थोड़ा पता लगा, अरे केशकांति तेल भी आता है पतंजलि का, तो सारे इधर उधर के जो बकवास ब्रांड थे बाजार में, उन सब से लोग डाइवर्ट होकर सारे केशकांति पर टूट पड़े। जो हम 50,000 बोतल भी नहीं बनाते थे, मुश्किल से 5,000 बोतल बनाते थे, अब इस महीने से 5,00,000 बोतल की कैपेसिटी कर दी है प्रतिदिन की केशकांति तेल की। केशकांति तेल 5,00,000, शैंपू अभी इस समय 2,50,000 बन रहा है। अगले महीने से केशकांति शैंपू भी 5,00,000 और केशकांति तेल भी 5,00,000। तो पता लगा शॉर्टेज के लिए कैसे काम चल रहा है। वो सोचते हैं बाबा जी तो सुबह से शाम तक शिविरों से ही फुर्सत नहीं, हमारा क्या होगा, हमारे बारे में कौन सोच रहा होगा, हमारा सोचना 1 घंटे का ही बहुत है। हम बने हैं योग के लिए। मेरे से एक बोला बाबा ये ब्रांड का क्या होगा, आप तो ऐसे ही विवाद बोल देते हो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक मुद्दों पर, और कोई भी विवाद हो गया और पतंजलि को नुकसान हो जाएगा तो मन का ये बना कैसे है, विवादों से ही तो बना है, तो नुकसान कैसे हो जाएगा। और ब्रांड इज नॉट माय अल्टीमेट गोल, योग स्पिरिचुअलिटी एंड सेवा दिस इज माय अल्टीमेट गोल, ब्रांड इज माय बाय प्रोडक्ट। तो तुम लोग भी ऐसे ही सुबह से शाम तक योग किया करो, दुकान बढ़िया चलेगी। कुछ लोग दुकान से ही चिपके रहते हैं, चिकित्सालय आरोग्य केंद्र मिल गया तो ऐसा लगता है उनको स्वर्ग मिल गया है, उससे बाहर ही नहीं निकलते। जो चिकित्सालय आरोग्य केंद्र चला रहे हैं और योग वाली सेवा नहीं कर रहे हैं, उन सबको पाप लगेगा, भगवान के यहां भी एक सिफारिश लेटर भेज देंगे हम। जो केवल चिकित्सालय चलाते हैं, केवल आरोग्य केंद्र चलाते हैं, सेवा नहीं करोगे, सेवा ये तुम्हारी भलाई के लिए है। और तुमको चिकित्सालय क्यों मिला बोलो, सेवा की, सेवा की तो चिकित्सालय, और चिकित्सालय मिलते सेवा बंद, तो तुम तो अपना बुरा अपने आप ही कर रहे हो। जिस पेड़ से फल मिले उस पेड़ की जड़ काट रहे हो। सेवा करके चिकित्सालय मिला ना, तो अपनी सेवा जारी रखना। 8 बजे से पहले चिकित्सालय खुलता है क्या, तो 8 बजे तक तो योग करवा लिया करो मेरे देवो, मेरी देवियों देवताओं, सुबह सुबह योग कराओ कम से कम। शाम को तो चलो तुम्हारा चिकित्सालय चलता है तो कोई बात नहीं, सुबह सुबह तो नहीं चलता। तो 8 बजे से पहले जो भी चिकित्सालय चलाते हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूटर भाई, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना ये पतंजलि का, ये खाली व्यापार वाला नहीं है, तुम लोग भी सेवा करो, योग शिक्षक बन जाओ, योगी बनना सबसे बड़ी बात है। ये यशपाल आर्य योगी नहीं होता, इसका पिता आर्य नहीं होता, आर्य का मतलब श्रेष्ठ, आर्य का मतलब वेद के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, ऋषियों के मार्ग पर चलने वाला आर्य होता है। हम सबके पूर्वज क्या थे, आर्य। राम को क्या बोलते थे, आर्य बोलते थे। सब अपने जितने भी पात्र हैं रामायण महाभारत के, उनको आर्य या आर्य पुत्र कहते हैं। तो यशपाल आर्य, आर्य पुत्र नहीं होता तो उसको ये सेवा मिलती नहीं मिलती। ये शुरू में जब मेरे पास गया था तो इसकी चिकित्सालय चलाने की भी हैसियत नहीं थी, आज ही SD चला रहा है और 35 करोड़ महीने का टर्नओवर अभी है, और अभी मार्च तक 50-60 करोड़ का महीने का हो जाएगा। ये अगले 1-2 साल में 1,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर करेगा साल का। अब शुरू में गया था तब इसकी हैसियत कितनी थी मुझे नहीं पता। कितने साल पहले शुरू किया SD? 7 साल पहले शुरू किया था, तब अपने कुछ मित्रों से, कुछ अपने बापू से थोड़ा उधार लेकर के, इसके बापू भी तो पक्के हैं, बोले जो मैंने कमाया है सब दान के लिए कमाया, तेरे लिए नहीं कमाया। फिर कुछ बैंक से लिया, कुछ मित्रों से लिया थोड़ा बहुत उधार, फिर सबको चुकाया, फिर बैंक का भी लोन, वो तो फिर वर्किंग कैपिटल में आ जाता है बाद में जब कार्य बड़ा हो जाता है। तो आदमी सेवा करता है
तो उसका सौभाग्य बढ़ता है। बस इस भाव के साथ सेवा करो, आप भी सब खूब आगे बढ़ोगे और अभ्युदय वालों का भी जो है, इस बार हमने कहा भाई देखो जो काम करेंगे परफॉर्मेंस के आधार पर तुम लोगों को भी कभी ख्याल रखेंगे। तो महेश जी इनका भी अभी इंक्रीमेंट लग गया, इनका भी इंक्रीमेंट लग करके आ गया। तुम लोग भी सेवा करो, ये मत सोचो कि इंक्रीमेंट किसी का 20% लगा है कि किसी का 15% लगा है कि किसी का 25 लगा है। आप लोग सेवा में लगे रहो। हम तो 100% भी इंक्रीमेंट लगा देते हैं लेकिन परीक्षा करते हैं। हम लोग देखते हैं कि भाई थोड़ा टिकना तो चाहिए ना। अरे माँ बाप भी अपने बच्चों की 20-25 साल तक परीक्षा लेते हैं, उसके बाद भी उनका कलेजा धक धक करता रहता है। जैसे ही 20-22-25 साल की लड़की हो बोले जल्दी ब्याह कर दो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। माँ बाप अपने बच्चों पर भरोसा करने में भी धक धक करते रहते हैं और हमेशा सावधान रहते हैं। अरे हम तो अब माँ बाप से भी जल्दी भरोसा कर लेते हैं, कोई करने वाला तो हो। कुछ लोग चलो विदेशी कंपनियां तो हमको बावला समझे तो ठीक है, अच्छी बात। कुछ हमारे कार्यकर्ता भी सोचते हैं बाबा जी तो ऐसे ही बावले हैं, भोले भंडारी हैं। अच्छा हम किसी को भी कोई गलत भी करता है तो उसको ना सीधा सीधा नहीं बोलते, उसको सोचते हैं कि चलो भगवान करे इसको सद्बुद्धि दे सुधर जाए। फिर भी वो बिल्कुल ही ये समझ लेता है बाबा जी तो भोले भंडारी हैं। तो फिर जब कोई ज्यादा ही गलती करता है तो फिर हम उसको फोर्स नहीं करते, फिर हम अपना रास्ता अलग बना लेते, फिर कहते हैं इसको छोड़ो भाई, बेचारे का इसका कुछ इसकी किस्मत थोड़ी कमजोर है। उधर उत्तर भारत में बोलते हैं इसकी किस्मत इसके इसका भाग्य थोड़ा माड़ा है। तो सुनो गलती मत करना, अपनी मर्यादा का अपनी परंपरा का पूरा ख्याल रखना। आप सब भाई बहनों को खूब आशीष है, क्योंकि आज मुझे लंबा जाना था तो हमने कहा सब से मिलके जाएंगे और सबको हमने क्या बोल रखा है, अब स्पीड 10-20-50% की नहीं, कितने परसेंट की, 100% की मल्टीप्लाई करते रहना है हर महीना, ऐसा चलना है आपको। कुछ कुछ अभी थोड़ा प्रोडक्शन कैपेसिटी प्लान करने में 3-4 महीने लग गए ना, अलग अलग जाए, एक एक चीज की कैपेसिटी ऐसे थोड़ी बढ़ जाती है दिन रात। अब मान लीजिए एक अब एफजी गोदाम बनाया तो वो है कितना, वो एक गोदाम 1,00,000 फिट का है तो उसमें 3 महीने का तो समय लगेगा ना। कोई सेट भी बनाते हैं तो आजकल रेडीमेड आते हैं सब, लेकिन उसके लिए जमीन में कुछ तो पाया पुया लगाना पड़ेगा, फर्श बिछाना पड़ेगा। 3 महीना तो कैसे बीत जाता है पता है ना आप लोगों को, लेकिन रात दिन सब काम चल रहा है। जैसे पहले रात दिन लड़ाई चलती थी ना, अब रात दिन सेवा भी चल रही है और रात दिन स्वदेशी का काम भी चल रहा है। तो आप सब योग व्रति बनना, खुद भी स्वदेशी व्रति बनना और स्वयं में और सब में भगवान देखते हुए सबके साथ ऐसे ही व्यवहार करना कि ये मेरा व्यवहार मेरे भगवान की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि सबके भीतर एक ही सच्चिदानंद परमात्मा है। एक बार फिर से भाई डॉक्टर जयदीप आर्य जी को, यशपाल आर्य जी को, महेश ओक जी को, संतोष जी को, मधुसूदन जी को और सबके हम आदरणीय इस परिवार के वरिष्ठ आदरणीय श्री राव हरिश्चंद्र आर्य जी को और आप सब भाई बहन जो बहुत सेवा से लगे हैं, जो सेवा में लगे हैं 100%, उनको पूरा आशीर्वाद। जो 100% सेवा में नहीं लगे हैं वो लग जाएं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना। यशपाल आर्य जो है बोले स्वामी जी आपको हमको सेवा से ये सब कुछ मिला है, तो अभी नागपुर में आचार्य कुलम की जमीन लेने से लेकर के आचार्य कुलम बनाने तक की भी एक सेवा हम अपने परिवार की तरफ से करेंगे, उसके लिए भी इनको आशीर्वाद। तो तुम लोग ये सोचते होगे कि ये तो बहुत कमाता होगा, इसकी कमाई इसके परिवार के लिए जितनी जरूरत है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई करा दे, बाकी इसकी भी कमाई सेवा के लिए ही है। ऐसे ही सबको सोचना है, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।
तीनों सीएनडीएफ की जैसे महाजी ने कहा 35 करोड़ सेल हुई, ये सब स्वामी जी के आशीर्वाद और आप लोगों के सहयोग से हुआ। पूरा परिवार हमेशा संस्था के प्रति कृतज्ञ रहेगा। स्वामी जी मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ। महाराज जी हमारे बीच में कुछ आरोग्य केंद्र, चिकित्सालय और डिस्ट्रीब्यूटर बहुत अच्छा कार्य किया है, मैं उनको सम्मान देना चाहता हूँ। महाराज जी इसमें हमारे बीच में पिछले 2015 में डिस्ट्रीब्यूटर में सबसे अच्छा कार्य है मैसेस वैष्णवी एजेंसीज फूड डिवीजन पुणे। डिस्ट्रीब्यूशन में कॉस्मेटिक में हमारे बीच में कल्पना एंटरप्राइज कातरज, उनको आदर्श डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में नियुक्त किया जाता है। स्वामी जी इनके पास कॉस्मेटिक डिवीजन है पुणे में और इनका सेल 29 लाख पर मंथ सेल है। महाराज जी चिकित्सालय में हमारे बीच में बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा थी और काफी सभी चिकित्सालय बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं इन सबको देखते हुए और सेल को देखते हुए हमारे भाई सन्मत मिर्जे जी जो सरोज एजेंसी कोल्हापुर में है उनको चिकित्सालय का आदर्श चिकित्सालय उसका दिया जाता है। आरोग्य केंद्र अभी पिछले 3 साल से बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, सभी आरोग्य केंद्र लगभग चिकित्सालय के रूप में चले गए हैं। फिर भी उसमें कड़ी प्रतिस्पर्धा थी, उसमें हमारे भाई सुरेश चिंता यश ने एजेंसी वाजे उनको जाता है पर आदर्श आरोग्य केंद्र के रूप में।